क्या खत्म होता जा रहा है महेंद्र सिंह धोनी का करियर, क्या कभी नहीं दिखेंगे महेंद्र सिंह धोनी भारत के लिए दोबारा खेलते हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं AM नेटवर्क और आप सभी के होस्ट एंड दोस्त आप सभी के साथ मौजूद है। आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज किस वीडियो में बात करेंगे कि क्या महेंद्र सिंह धोनी अब दोबारा कभी भी इंडिया के लिए खेलते नजर नहीं आएंगे, क्या महेंद्र सिंह धोनी ने अब संन्यास लेने का मन बना लिया है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा, महेंद्र सिंह धोनी को BCCI ने 2019-20 के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी किया है उसमें भी नहीं रखा है। तो महेंद्र सिंह धोनी को BCCI ने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया है। तो इसका मतलब क्या समझे कि महेंद्र सिंह धोनी अब संन्यास लेने जा रहे हैं, अब वो आगे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इस पर बताएंगे आप सभी को कुछ फैक्ट जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को अच्छा क्रिकेटर या फिर उनको पसंद करते हैं। तो सबसे पहला बात जो हमें ध्यान देना चाहिए ये है, देखिए कि महेंद्र सिंह धोनी 2019 के विश्व कप के बाद से नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने संन्यास पर नहीं बोला है। और जो अभी फिलहाल में भारत कुछ सीरीज खेल रही है इसके लिए वो अपने आप को अनअवेलेबल रखे हैं, क्योंकि वो कुछ देर अपने परिवार के साथ बिताना चाहते थे, जिसके बाद उन्होंने कुछ दिन इंडियन आर्मी के साथ भी बिताया। लेकिन अब क्या हो रहा है, जिस दिन महेंद्र सिंह धोनी के नाम BCCI ने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर करके और नया कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट 2019-20 के लिए जारी किया, उसी दिन जो है महेंद्र सिंह धोनी प्रैक्टिस करने मैदान में पहुंच गए और वो अभी हर रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ संदेश महेंद्र सिंह धोनी देना चाह रहे हैं अपने फैंस को, BCCI को, इंडियन टीम को, कि महेंद्र सिंह धोनी अभी संन्यास लेने वाले नहीं है और वो जो है अभी खेलने के लिए सक्षम है। महेंद्र सिंह धोनी के पर्सनल कोच जो उनको अभी मदद करते हैं ट्रेनिंग में, उन्होंने यही कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी अभी क्रिकेट खेलने के लिए बिल्कुल सक्षम है और जो है उनके जो रिटायरमेंट पर फैसला है वो महेंद्र सिंह धोनी खुद करेंगे, उसके बारे में किसी को नहीं पता है। वहीं बात करें अगर IPL की, तो IPL में जिस टीम से खेल रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, चेन्नई सुपर किंग, उनके ऑनर्स की बात करें तो उनका ऑनर ने भी साफ कह दिया है कि महेंद्र सिंह धोनी 2020 का IPL खेलेंगे ही खेलेंगे, साथ ही साथ हम उनको 2021 के IPL के लिए भी रिटेन करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी 2 साल IPL तो साफ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो उनके टीम के ऑनर है उनके और महेंद्र सिंह धोनी के बीच बहुत ही अच्छा रिश्ता है और जो है दोनों एक दूसरे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो ये सारी बातें सुनने के बाद एक बात तो क्लियर होती है कि महेंद्र सिंह धोनी अभी संन्यास लेने के मूड में नहीं है। वो भले ही इंडिया टीम से खेले ना खेले, इंडियन टीम उनको खिलाए ना खिलाए, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी IPL और जो बाकी के डोमेस्टिक मैच होते हैं शायद अब उसमें खेलते हुए नज़र आने वाले हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी के लिए ये बहुत ही अच्छा खबर है, बहुत ही बढ़िया खबर है कि महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल संन्यास लेने नहीं जा रहे हैं, वो बिल्कुल अवेलेबल अब होंगे। उन्होंने अपने आप को अवेलेबल कर दिया है BCCI को, अगर वो चाहे तो उनको टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर उन्होंने नहीं किया तो कुछ देर बाद अब IPL होगा, आप लोगों को उसमें महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए नज़र आएंगे, चेन्नई सुपर किंग की तरफ से कप्तानी करते नज़र आएंगे और शायद उसके बाद जो भारत में कुछ डोमेस्टिक मैचेज होते रहते हैं उसमें भी महेंद्र सिंह धोनी आपको खेलते हुए नज़र आए। तो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी को संन्यास ले लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे नए अपडेट के साथ। तब तक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।